नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। खुश खबर है कि अब गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6,000। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समुचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उन्हें 6,000 रुपए नगद देगी, ताकि वे प्रसव से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके और इस अवधि में उनका स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर बेहतर रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान 4B के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ योजना बनाई है। यह सशर्त नगद अंतरण योजना है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान आने वाली महिलाओं को उनकी मजदूरी के नुकसान के एवज में नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि प्रसव से पहले और बाद में समुचित आराम कर सके। गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो और बच्चे के जन्म के 6 माह तक वह उन्हें स्तनपान करा सके, क्योंकि नवजात के विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। 6,000 रुपए की नगद राशि पहले 2 बच्चों के लिए 3 चरणों में दी जाएगी। पहली किश्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर दी जाएगी, दूसरी किश्त प्रसव के वक्त और तीसरी किश्त तब दी जाएगी जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा और उसे BCG, OPV और DPT 1-2 टीका लग चुका होगा। यह अंतरण आधार से जुड़ा होगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाक विभाग के खाते में पैसे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि यह योजना 1 जनवरी से देश के सभी जिलों में प्रभावी होगी। अनुमान है कि इससे प्रतिवर्ष 51.70 लाख महिलाओं को लाभ होगा। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। UAE में दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका, 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। लालू बोले, मोदी जी नोटबंदी पर कुछ बचा है तो कह लो। फिजी में शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का खतरा टला। चीन का बड़ा हिस्सा धुंध के आगोश में, 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दिव्यांगों के लिए विशेष बोगियां बनाएगी रेलवे।